नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर्स का जो हमारे वीडियोस देखते हैं उनका बहुत सारा कमेंट रहता है कि सर ये जो फिलहाल सीजन चल रहा है तो बकरियों में ये लेटरिन की समस्या शुरू हो जाती है, बांग्ला में जिसको पतला पैखाना कहते हैं। तो ये समस्या जब शुरू हो जाती है तो देखिए, जब समस्या शुरू हो जाएगी तो आप इसे लेकर दौड़ते रहोगे। कल ही एक जन से भेंट हुआ था, वो बोल रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। तो ये समस्या आम समस्या नहीं है, ये नॉर्मली 90% ये PPR की समस्या होती है। तो एक बार अगर आपकी बकरियों में PPR आ गई तो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि फिर उनको ठीक करना काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है, क्योंकि आप एक को ठीक करोगे तो आपके एक बकरी से दूसरे बकरी में बीमारी चली जाएगी और परेशानी बढ़ने लगेगी, तो आप उस वक्त उसे काबू नहीं कर सकते। तो इससे बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि समय से आप PPR का वैक्सीन करवाएं, और पहली बार जब आप बकरी पालन में उतरे तब इसको 6 महीना पे वैक्सीन करने के बाद दोबारा से 6 महीना पे आप इसको बूस्टर डोज भी दिलवाएं, ताकि आपकी बकरियां PPR से बची रहें, क्योंकि आप एक को ठीक करोगे तो दूसरे को यह समस्या शुरू हो जाएगी। तो बात करते हैं कि ये जो लेटरिन शुरू हो जाती है तो इससे बचने का उपाय क्या है। देखिए, एक बार जो समस्या शुरू हो गई तो इसे बचाना तो काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि जब 2-3 दिन ही लेटरिन करने लगता है तो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और उसके बाद मेडिसिन भी इस पर सही से काम नहीं करती है। तो अगर 10-25% कोई काम करता है कोई तरीका, तो ये है कि आपको कम से कम 2 दिन के लिए अपने जानवरों को सूखा खाना देना है, घास और पानी से बचाना है, जिसमें पानी की मात्रा ना हो, जैसे कि भूसी खिलाइए, बिचाली खिलाइए, बस पानी मत दीजिए। 2 दिन तक इन्हें प्यासा रखिए। हो सकता है अगर PPR की समस्या आपकी बकरियों में ना हो, तो आप अगर उनमें सिर्फ लेटरिन की समस्या हो रही है तो आपकी बकरियां स्वस्थ हो जाएंगी।